नारेबाजी करते ये है बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थक। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के आरोप में शनिवार को पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को गिरफ्त में ले लिया। दरअसल जगदीशपुर ओपी की पुलिस शनिवार सुबह मनीष के घर की कुर्की करने पहुंची, तो इससे दबाव में आकर मनीष ने सरेंडर कर दिया। इधर मनीष कश्यप के सरेंडर की खबर मिलते ही थाने के बाहर बड़ी संख्या में उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई, जो थाने के गेट पर जुटे और नारेबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे समर्थकों को शांत कराया, लेकिन बता दें कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पूरी नाटकीय रही। आइए जानते हैं पूरा वाक्या हमारे संवाददाता धनंजय तिवारी से कि कैसे थाने तक पहुंचा मनीष कश्यप और क्यों। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने नाटकीय ढंग से जगदीशपुर थाना में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि अहले सुबह बेतिया पुलिस मझौलिया थाना अंतर्गत महनवा गांव में उसके घर कुर्की करने पहुंची थी और कुर्की हो रहा था। वहां पर चंपारण रेंज के डीआईजी जयंतकांत और बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा भी पहुंचे थे। तभी पता चला कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने इसी थाने में उसने आके सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के बाद यहां पर उसकी कुर्की को रोक दी गई है। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि उसे कोर्ट भेजा गया है। बता दें कि उसके ऊपर 193/21 जो मझौलिया थाना में दर्ज था उसमें वह 2 साल से फरार चल रहा था और पुलिस ने कुर्की के लिए उस कोर्ट में आवेदन दिया था, अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अर्जी स्वीकृति होने के बाद उसके घर की कुर्की हो रही थी और आज यहां पर मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है। उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया है। बेतिया एसपी ने कहा है कि अपराध इकाई पटना और बेतिया पुलिस की दबिश के कारण उसने नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया है। दरअसल मनीष कश्यप ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे और दावा किया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस फेक निकले, जिसके बाद से ही मनीष कश्यप के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मीडिया।